अमृता राव को मिला था सलमान खान के ऑपोजिट पेयर होने का चांस, लेकिन उनके साथ हो गया एक बड़ा धोखा। यस यू हर्ड इट राइट, अमृता राव की रिसेंटली पब्लिश्ड बायोग्राफी में रिवील हुआ एक स्टेटमेंट इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें अमृता राव का सलमान खान की हीरोइन ना बनने का मलाल सामने आया है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वो कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिसने अपनी इनसिक्योरिटी के चलते अमृता को बार बार शोहरत की बुलंदियों से नीचे गिराने की कोशिश की। विवाह और इश्क विश जैसी फिल्म से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली अमृता राव काफी वक्त से फिल्म से दूर है, पर उनका एक स्टेटमेंट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अमृता ने रिवील किया है कि सलमान खान स्टारर वांटेड आयशा टाकिया से पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उनके मैनेजर ने ये बात उनसे छिपा कर रखी। जब हैदराबाद में शूटिंग करते वक्त अमृता को इस बात का पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक्चुअली हैदराबाद में वो प्रोड्यूसर बोनी कपूर के एक करीबी से मिली, तो उन्हें बताया गया कि अगर डेट्स का इशू ना होता तो वो सलमान खान के साथ वांटेड की शूटिंग कर रही होती। ये सुनकर अमृता हैरान रह गई और उन्होंने पूछा कि उन्हें तो वो फिल्म ऑफर ही नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें सलमान खान के ऑपोजिट रोल ऑफर हुआ था लेकिन उनके मैनेजर ने उन्हें धोखा दे दिया, इस बात से अमृता का दिल टूट गया। वैसे वांटेड का रोल मिस होने के अलावा भी अमृता ने अपनी बायोग्राफी में कई और रेवलेशंस किए हैं। उनमें से एक है के लेटर से नाम स्टार्ट होने वाली एक एक्ट्रेस की इनसिक्योरिटी। रिपोर्टेडली अमृता ने आरोप लगाया है कि उस एक्ट्रेस ने उन्हें कई बार नीचे गिराने की कोशिश की। कई नेटिजन्स को लगता है अमृता का इशारा करीना कपूर की तरफ है, क्योंकि करीना कपूर और विवाह में अमृता के को स्टार शाहिद कपूर उन दिनों काफी करीब होने के बाद दूर हो गए थे। खैर, इन सब में अमृता के लिए सलमान खान के ऑपोजिट कास्ट ना हो पाना वाकई एक बड़ा झटका है, और अब अमृता के फैंस को भी इस बात का मलाल रहेगा कि उनकी फेवरेट स्टार से मिस हो गई सलमान खान के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.